દાદરનગર હવેલી અને દીવ માં પ્રશાસન દ્વારા 15 થી 18 વર્ષ વયના તમામ બાળકોને કોરોના વેક્સિનેશનની રસી આપીને 100% સફળતા મેળવી છે। સંઘ પ્રદેશના પ્રશાસન દ્વારા દમણ, દીવ અને દાદરનગર હવેલીમાં 40,000 થી વધુ બાળકોને કોરોનાની વેક્સિનેશન આપી વેક્સિનેશનની 100% કામગીરી પૂર્ણ કરી હતી। નમસ્કાર, મેં સમાહર્તા દાદરાનગર હવેલી। આજ દાદરાનગર હવેલી કે सभी लोगों में एक महत्वपूर्ण जानकारी और एक खुशी का संदेश आप सबको देना चाहता हूँ। हमने दादरा नगर हवेली में हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल के मार्गदर्शन में जितना भी हमारा टारगेट नंबर था 15 से 18 साल के एज ग्रुप के पॉपुलेशन का, उसमें आज 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। इसमें खास तौर से मैं 15 से 18 साल के सभी बच्चे जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया, उनके माता पिता जिन्होंने उनको प्रेरित किया वैक्सीनेशन लेने के लिए, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, जिन दो विभागों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है एक स्मूथ वे में और इतना जल्द 100% वैक्सीनेशन अचीव करने के लिए, उनको मुबारकबाद देता हूँ। जो कोविड की तीसरी लहर अभी चल रही है, उससे एक अच्छे तरीके से मजबूती से लड़ने में ये 100% वैक्सीनेशन दादरा नगर हवेली में बहुत काम आएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि बूस्टर डोज भी अब वो लोग ले सकते हैं जिनको अपना सेकेंड डोज वैक्सीनेशन के लिए 9 महीने हो गए हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सीनियर सिटीजन या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कोई कोमॉर्बिडिटी है और दूसरे डोज लिए 9 महीने से ऊपर हो गए हैं, वो अपना बूस्टर डोज लेने के लिए किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में सामने आके अपना टीका लगवा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि अभी तक जब से तीसरी लहर कोविड की शुरू हुई है, तब से दादरा नगर हवेली में आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग उस लहर को नियंत्रण में रख पाए हैं। जितने भी हमारे पास मामले आ रहे हैं, जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उनको हेल्थ केयर ठीक तरह से प्रोवाइड हो रहा है। जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं, उनको भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग पंचायत से या म्यूनिसिपैलिटी से उनको घर घर जाके उनको मिल रहे हैं, उनको दवाई दे रहे हैं, उनका हेल्थ स्टेटस चेक कर रहे हैं और कोई भी अगर उनकी समस्या है तो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1077-1077, वो 24 घंटे चल रहा है और उस पर जितने भी कॉल्स आ रहे हैं, हम उनका जो भी कोई हमें समस्या बता रहा है उसको जल्द से जल्द सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी तक अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी पब्लिक स्पेस में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइजर का और डिसइंफेक्शन का वक्त वक्त पे हर कुछ समय के बाद प्रयोग करना, उसको हम जारी रखेंगे। उसको जारी रखकर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम हमारे जिले में आने वाले मामलों को आगे वाले कुछ दिनों में पॉजिटिव मामलों को और कम कर पाए, ताकि इस लहर से जो हमें अभी सफलता मिल रही है इस लहर से जूझने में, वो सफलता और बढ़े। मैं ये भी आपको सबको बोलना चाहता हूँ कि जिसका सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का बाकी है, जिसने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया और जो एलिजिबल है, वो जल्द सामने आके अपना वैक्सीनेशन ले, ताकि वो कोविड के साथ जो हमारी लड़ाई है उसमें प्रशासन का सहयोग कर सके। वो जानते हैं कि अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अगर किसी भी पब्लिक प्लेस पे बाहर जाते हैं या कोई फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसको जो भी कोविड की गाइडलाइंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए करेंगे। जो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं वो हर टाइम पे मास्क पहन के रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। कोई भी ऐसा खुशी का ओकेजन जिसमें लोग गैदर हो रहे हैं, उसमें कोई भी हम ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो ना होने से कोई बीमार पड़े, तो ये हम सबको अगले कुछ दिनों के लिए ध्यान में रखना है। और सिर्फ जो जरूरी काम है या कहीं पे आपका पहुंचना बहुत जरूरी है तभी आप घर से निकलें,
उसके अलावा सब लोग घर पे रह के,